इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक राकेश गंगवाल और उनके परिवार ने एयरलाइन में अपनी 4% हिस्सेदारी बेची है। ये हिस्सा बिक्री ब्लॉक डील के जरिए की गई, 2400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की गई। इसके जरिए गंगवाल परिवार को 3370 करोड़ रुपए मिले। हिस्सा बिक्री की खबरों से बुधवार को शेयर बाजार में इंडिगो के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। 5% तक टूट गया शेयर। शेयर बिक्री बाजार का जो भाव था उससे काफ़ी नीचे हुई। सोमवार को शेयर बाजार में कंपनी का शेयर 2548 रुपये पर बंद हुआ था। बुधवार को भाव 2425 रुपये का निचला स्तर छू गया था। यहाँ पर इस खबर को समझने के लिए रुख करते हैं संदीप का। संदीप, इकलौती एयरलाइंस बाजार में जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड मुनाफे आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो और कंपनियां, हमने देखा है कि प्रमोटर और हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है, चलती एयरलाइन से गंगवाल उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अमूमन क्या होता है शुभम, जब हमें हवाई यात्रा करनी होती है या किसी विमान में चढ़ना, तो हम टिकट बुक करते हैं। लेकिन गंगवाल इस एयरलाइन से उतरने का यानी कि इससे बाहर होने का टिकट पहले बुक कर चुके हैं। वो टिकट बुक किया गया था फरवरी 2022 में। उन्होंने 2022 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अगले 5 साल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देंगे। उस समय इनके पास करीब 37.5% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी। उसके बाद सितंबर 2022 में 3.5% और फरवरी 2023 में करीब 4% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई थी। कुल मिला के देखा जाए, दोनों बार जो हिस्सा बेचा गया है उनके कहने के बाद या इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी बची थी। और मैं आपको बता दूं, जब फरवरी 2022 में उन्होंने घोषणा की थी, उससे पहले दो इंटरेस्टिंग चीजें आप जान लीजिए। पहला ये कि राहुल भाड़िया, जो कि दूसरे को फाउंडर है जिनके साथ इनका विवाद था, उन्होंने इस इस्तीफे से केवल 2 हफ्ते पहले ही एमडी का पदभार संभाला था। इससे पहले इंडिगो में एमडी का पदभार नहीं था, केवल सीईओ वो जो पूरा मैनेजमेंट है उसको संभालते थे। और इस इस्तीफे से करीब करीब 1.5 महीने पहले ही इन्होंने अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एओए जिसे हम बोलते हैं, उसमें बदलाव किया था, जिसमें एक प्रमोटर को बिना दूसरे के ROFR यानी कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एक्सरसाइज किए बिना एग्जिट करने का विकल्प दिया था। अब इनका विवाद क्यों हुआ था और कब से चल रहा है, ये मैं उस आपको थोड़े बात बता देता हूँ। देखिए, इनका जो विवाद है वो एक्चुअली 2015 से चल रहा था, जब इन्होंने शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया था। दोनों के जो राइट्स हैं, जो बोर्ड में पोजीशंस हैं, उसको लेके विवाद चल रहा था, जिसको लेके एक एग्रीमेंट किया गया था। फिर उसे बाद में सितंबर 2015 में फिर से रिवाइज भी किया गया था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, गंगवाल साहब ने जो पूरा इसका ऑपरेशन है एयरलाइन का, उससे बिल्कुल पूरी तरह से अपना जो हिस्सेदारी है उसे देने से मना कर दिया था। और इनफैक्ट उन्होंने कुछ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स रेज किए थे। इनफैक्ट 2019 में जुलाई में तो उन्होंने पीएमओ को, सेबी को जो कि मार्केट रेगुलेटर है, और वित्त मंत्रालय को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इस पूरी एयरलाइन के जो ऑपरेशंस है उसमें इंटरवीन करने की, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आई कि शायद अगस्त 2019 में इन दोनों के बीच में विवाद सुलझ गया है। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में विवाद एक्चुअली सुलझ नहीं रहा था। 2019 में तो ऐसा हुआ अक्टूबर में कि ये है तो भारतीय, लेकिन आप फ्लोरिडा में रहते हैं, ये तो फ्लोरिडा में राहुल भाटिया की ओर से, जो कि दूसरे को फाउंडर हैं, उनकी ओर से इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे किए गए। तो ये जो मामला है इनफैक्ट 2019 में इनफैक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो कि आखिरकार बाद में इस तरह निपटा कि आखिरकार गंगवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा 2022 में। और एक लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पे भी इनका मामला चला था और वहां पे भी फैसला गंगवाल साहब के हक में आया था, जिसको बाद में इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जाके इसको लागू करवाने के लिए कहा था। उसके बाद में दिसंबर 2021 में इन्होंने एक ईजीएम बुलाई, जिसमें इस चीज को लेकर फैसला लिया गया था। इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बदलाव किया गया, जिसमें इनके बाहर जाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं तय किया गया। और आखिरकार 18 फरवरी 2022 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी समय घोषणा कर दी थी, उसी ईजीएम से तय हो गया था, हाँ, वहीं से उतरने का टिकट बुक हो गया था दरअसल। तो ये पूरी 18 फरवरी को इन्होंने पूरी तरह से ये अनाउंसमेंट भी कर दी और ये कहा था, उसी समय कह दिया था कि अगले 5 साल में पूरी तरह से अपनी जो हिस्सेदारी है वो धीरे-धीरे करके वापस हो जाएगी। तो ये पूरा मामला इंडिगो में, अगर आपको शुरू से अब तक कुछ नहीं पता था और इस खबर के बाद आपको ये जानना था कि भाई इंडिगो अचानक 5% क्यों टूट गया जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके पीछे की पूरी कहानी ये थी।